नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज हम आपको जैतून के तेल के नींबू में रस मिलाकर पीने से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने मालूम होगा। आपको यह तो मालूम होगा कि जैतून के तेल में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। अगर आप जैतून के तेल को खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में ज़्यादा फायदा पहुँचता है। अगर आप जैतून के तेल को नींबू के रस से साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं। आज हम आपको उन्हीं फायदों के बारे में बताने वाले हैं। प्रतिदिन सुबह नाश्ता करने से पहले अगर आप एक चम्मच जैतून के तेल में एक छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो आप बीमारियों से बचा पा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इससे आपका पाचन तंत्र भी लंबे समय के लिए मजबूत हो जाता है। जैतून के तेल और नींबू के रस को मिलाकर सेवन करने से लीवर और गाल ब्लैडर सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। वर्तमान समय में लोगों को खानपान बेहद ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो लगती हैं। लोग तली हुई चीज़ों का सेवन भी ज़्यादा करते हैं, जिन्हें पचाने में पेट को ज़्यादा मुश्किल होती है। इतना ही नहीं बल्कि यह फूड लीवर को ख़राब कर देता है। अगर आप जैतून के तेल और नींबू का सेवन करते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है और पाचन संबंधी समस्या भी दूर होती है। वर्तमान में बदलती हुई जीवन शैली की वजह से लोग अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में लोग मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों के आसानी से शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो जैतून के तेल और नींबू के रस का प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करें। इसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप इस जानकारी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं तो लोग इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।